ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली क्लब में। ज्योति बहन जी, आप जुड़े हैं क्या? अच्छा, और कोई मुरली पढ़ने का चांस लेना चाहेगा? ओम शांति। क्या पढ़ सकता हूँ? हाँ जी भाई जी, पढ़िए। शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। आज की मुरली की डेट है 28/1/77। हेडिंग है ब्राह्मणों का धर्म और कर्म। सब्जेक्ट है सर्वशक्तिवान विश्व परिवर्तक विश्व कल्याणकारी बाबा बोले। अपने को ब्रह्मा कुमारी सॉरी अपने को ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण समझते हो ना? ब्राह्मणों का धर्म और कर्म क्या है वह जानते हो? धर्म अर्थात मुख्य धारणा है संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा जानते हो? संकल्प व स्वप्न में भी अपवित्रता का अंश मात्र भी न हो, ऐसी श्रेष्ठ धारणा करने वाले ही सच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं। इसी धारणा के लिए ही गायन है, प्राण जाए पर धर्म न जाए। ऐसी हिम्मत, ऐसा दृढ़ निश्चय करने वाले अपने को समझते हो? किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपने धर्म अर्थात धारणा के प्रति कुछ त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, साहस करना पड़े, तो खुशी खुशी से करेंगे या पीछे हटेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं? बाबा प्रश्न पूछते हैं। त्याग को त्याग न समझ भाग्य अनुभव करना, इसको कहा जाता है सच्चा त्याग। अगर संकल्प में वाणी में भी इस भावना का बोल निकलता है कि मैंने यह किया, त्याग किया, तो उसका भाग्य नहीं बनता। जैसे भक्ति मार्ग में भी जब बलि चढ़ाते हैं तो वह बलि चढ़ाने वाला पशु जरा भी आवाज करता या चिल्लाता है तो वह महाप्रसाद नहीं माना जाता, वह बलि नहीं मानी जाती। यह भी अभी का यादगार चल रहा है। अगर त्याग करने के साथ यह संकल्प उठा कि मैंने त्याग किया, नाम मान शान का अभिमान आया, तो वह त्याग नहीं, उसे भाग्य नहीं कहेंगे। ऐसी धारणा वाले ही सच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ की रचना कराते हो। इस महायज्ञ में पुरानी दुनिया की आहुति पढ़ने के बाद यज्ञ समाप्त होना है, तो पहले आपने आपसे पूछो, पुरानी दुनिया की आहुति के पहले निमित्त बने हुए ब्राह्मणों ने अपने पुराने व्यर्थ संकल्प व विकल्प, जिसको भी संकल्पों की सृष्टि कहा जाता है, इन पुराने संकल्पों की सृष्टि को, पुराने स्वभाव संस्कार रूपी सृष्टि को महायज्ञ में स्वाहा किया है? अगर आपने हथ की सृष्टि को स्वाहा न किया व अपने पास रही सामग्री की आहुति नहीं डाली, तो बेहद के पुरानी सृष्टि की आहुति कैसे पड़ेगी?
यज्ञ की समाप्ति का आधार हर एक निमित्त ब्राह्मण है, तो चैरिटी बिगिन एट होम करना पड़े। तो अपने मन के अंदर चेक करो कि आहुति डाली है, संपूर्ण अंतिम आहुति कौन सी है उसको जानते हो। जैसे आत्मज्ञानी आत्मा का परमात्मा में समा जाना ही आत्मा की संपूर्ण स्थिति मानते हैं, इसी अंतिम आहुति का स्वरूप है मैंपन समाप्त हो। बाबा बाबा बोल मुख से मन से निकले, अर्थात बाप में समा जाए, इसको कहा जाता है समा जाना, अर्थात समान बन जाना। इसको कहा जाता है अंतिम आहुति। संकल्प स्वप्न में भी देहभान का मैपन न हो, अनादि आत्मिक स्वरूप की स्मृति हो, बाबा बाबा अनहद शब्द हो, आदि ब्राह्मण स्वरूप को धर्म और कर्म की धारणा हो, इसको कहा जाता है सच्चे ब्राह्मण। ऐसे सच्चे ब्राह्मण ही यज्ञ की समाप्ति निमित्त बनते हैं। यज्ञ रचने वाले तो बने, अब समाप्ति की भी निमित्त बनो, अर्थात अपनी अंतिम आहुति डालो, तो बेहद की पुरानी दुनिया की आहुति भी पड़ ही जाएगी। समझा? अब क्या करना है? संपूर्ण बनने का यही सहज साधन है, संपूर्ण आहुति देना। इसको ही संपूर्ण स्वाहा कहा जाता है। तो सहा हो जाए तो स्वाहा हो गए, वह भी होना है। अंतिम आहुति अंतिम घड़ी पर ही डालनी है क्या? जब स्वयं डालेंगे तब दूसरों से डालवा सकेंगे, फिर करेंगे, ऐसा न सोच, अब करना ही है। जैसे सुनने के लिए चात्रक रहते हो, मिलने के लिए प्लान्स बनाते हो, या हमारा टर्न पहले हो, तो जैसे ये सोचते हो वैसे मिटने भी पहले टर्न लो, करने में फर्स्ट टर्न लो। अच्छा, ऐसी संपूर्ण स्वाहा होने वाली, संपूर्ण आहुति डालने वाले, स्वयं के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले सच्चे ब्राह्मणों को, बाप समान संपूर्ण ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ धर्म और कर्म में स्थित रहने वाले ब्राह्मणों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम सर्वश्रेष्ठ धर्म और कर्म में स्थित रहने वाले ब्राह्मणों को, ऐसे बनाने वाले बाबा को याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति। इसके आगे वाली भी पढ़नी है क्या? नहीं भाई जी, एक ही मुरली थी आज तो। अभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, बाद में हम अपना सभी मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। आप सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। जी दिलीप भाई जी।
ओम शांति। आज बाबा ने, बाबा की छोटी मुरली थी लेकिन बहुत पावरफुल थी। बाबा ने कहा है कि अगर अपने त्याग करते हैं और त्याग को अगर त्याग समझते हैं और उसको उसका बार बार मनन चिंतन उसी को बताते रहते हैं कि मैंने ये त्याग किया ये त्याग किया, तो वो त्याग नहीं है, वो केवल एक उसका फल भाग्य नहीं बनता है। और उसका भी उदाहरण बाबा ने दिया कि लौकिक जगत में भी जैसे बलि देते हैं, तो अगर बलि देने वाला जानवर अगर कोई आवाज कर देता है तो उसको महाप्रसादनी कहा जाता है और प्रसाद बोला जाता है, महाप्रसाद नहीं बोला जाता उसको, और बलि नहीं मानी जाती है। तो अगर बाबा ने यही कहा है कि जो भी त्याग करो उसको उसके बारे में सोचो मत, वो पूरा सुहा कर दिया है, जैसे अंतिम घड़ी अंतिम सुहा करना है उस तरह पूरा मैंपन को समाप्त करना है। ओम शांति। जी नमिता बहन, शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा कि ब्राह्मण का धर्म और कर्म ही पवित्रता। धर्म माना धारणा। तो किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपने धारणा के लिए कुछ त्याग करना पड़े तो खुशी खुशी से त्याग करना है। तो त्याग के त्याग न समझकर अपने प्राप्ति को अनुभव करने से त्याग त्याग नहीं लगता, मुश्किल भी नहीं लगता, लेकिन भाग्य बनाता है। अगर त्याग के साथ मन में संकल्प उठे कि मैंने त्याग त्याग किया, इतना कुछ किया, तो यह त्याग नहीं, उसमें भाग्य नहीं बनता। जो कुछ किया बाबा ने करवाया तो मैंपन नहीं रहेगी। फिर बाबा ने कहा अंतिम आहुति का स्वरूप है मैंपन को समाप्त करना। तो संकल्प में स्वप्न में भी देहभान का मैंपन न रहे। बाबा बाबा मुख से व मन से निकले माना बाबा में समा जाना। समा जाना अर्थात समान बनना, इसको ही अंतिम आहुति कहा जाता है। तो बाबा ने कहा अपने को चेक करना है कि कितना अपने लिए यज्ञ में हम आहुति डालते हैं, अर्थात कितना मैंपन को त्याग करते हैं। ओम शांति। जी स्वाति बहन, आप शेयर कर सकते हो। हाँ, ओम शांति भैया, सबको गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा ने ब्राह्मणों का धर्म और कर्म इस पर वाणी चलाई है। तो सर्वशक्तिमान बाबा ने कहा कि स्वयं को आप ब्रह्मा मुखोमुषीय ब्राह्मण समझते हो, तो ब्राह्मणों का धर्म और कर्म क्या है? अगर ब्राह्मण समझते हो तो धर्म अर्थात धारणा, बाबा ने कहा कि जो हमारी पहली धारणा है, जो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, वो है संपूर्ण पवित्रता। तो पवित्रता हमारा मूल स्वरूप भी है, आदि स्वरूप भी है। तो बाबा ने कहा कि संकल्प और स्वप्न मात्र भी अपवित्रता का अंश मात्र न हो। इस श्रेष्ठ धारणा करने वाले को ही सच्चा ब्राह्मण कहेंगे। इसलिए ही गायन है कि प्राण जाए लेकिन धर्म न जाए, धरत परिये धर्म न परिये, ऐसे भी कहा जाता है ना। तो कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन उसमें अपना धर्म न छोड़ना पड़े। भगवत गीता में भी कहा है ना, सर्वधर्मान परित्यज्यं मामेकं शरणं व्रज। तो अपने धर्म में सुख है, पर धर्म में सुख नहीं है। तो हमारा अभी का धर्म जो है स्वधर्म, पवित्रता है, शांति है। तो बाबा ने कहा कुछ भी सहन भी करना पड़े, त्याग भी करना पड़े, सामना करना पड़े, तो खुशी खुशी से करना है, न हटेंगे न घबराएंगे ऐसा। तो त्याग को त्याग नहीं, भाग्य अनुभव करेंगे, बाबा ने कहा। और एक बाबा ने कहा कि बाबा बाबा ये अनहद नाद अंदर गुंजन हो। और बाबा ने कहा इसे ही सच्चा ब्राह्मण कहेंगे। और एक बात कही कि जो मर मिटने के लिए स्वयं पहला टर्न ले लो, है ना, हर एक हमारा पहला टर्न चाहिए ऐसे चाहते हैं, लेकिन इसमें पहला टर्न ले लो। ओम शांति जी। जी रीमा बहन, आप शेयर कर सकते हैं।
ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने, जैसे अभी सभी ने शेयर किया, बाबा ने कहा कि ब्रह्मा मुख वंशावली जो ब्राह्मण हैं उनका मुख्य धर्म कर्म क्या है। तो बाबा ने कहा कि ब्राह्मण लोग यज्ञ रचते हैं, जैसे यहाँ भी देखते हैं ब्राह्मण स्थूल यज्ञ रखते हैं। तो बाबा ने कहा यज्ञ जो ये ब्राह्मणों का, सच्चे ब्राह्मणों का है, उस यज्ञ में क्या स्वाहा करेंगे, अपने पुराने व्यर्थ संकल्प विकल्प, पुराने संकल्पों की जो सृष्टि रची है, पुराने संस्कार स्वभाव, जो देह भान का मैपन का त्याग, नाम मान शान का त्याग, मैपन का त्याग, सिर्फ बाबा बाबा बोल मुख से निकले कि करण करावन हार करा रहा है, मन से बाबा निकले अर्थात बाप में समा जाना, और जो स्वयं के हद की सृष्टि रची है उसको भी स्वाहा करना मन से। तो बाबा कहते हैं मन से चेक करो कि अंदर आहुति डाली है, मैपन समाप्त हुआ है, मुख से मन से बस बाबा बाबा निकल रहा है। ये जब ब्राह्मण स्वरूप की धर्म और कर्म की धारणा होगी तब आप सच्चे ब्राह्मण कहलाओगे। ओम शांति। जी अरुणा बहन आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा है कि अनादि आत्मा की स्वरूप की स्मृति हो, यानी परम धाम में अपने टिकना है, जितना हो सके इतना ही परम धाम में ही टिकना है। स्थिति ये अनहद शब्द हो कि बाबा बाबा, आदि ब्राह्मण स्वरूप को धर्म और कर्म की धारणा हुई, धारणा ही यज्ञ हुआ, परम धाम में टिकना है। और देवी देवता धर्म की अपनी संस्कृति है, पहले वो और टिकनी चाहिए, ये संस्कृति में रहना चाहिए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। जी स्वाति बहन आप शेयर कर सकते ओम शांति दीदी भाई जी। ब्राह्मण जी। ब्राह्मण 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 का धर्म है कर्म है, तो ब्राह्मण जीवन के मूल फाउंडेशन है पवित्रता। तो बाबा बोला जे देव सहित देव सम्बन्ध और सबकिछ ভুল, এক বাবা বাবা করো। তো বাপ সং বাপ কা সমা জানা হয়, জমা জানা মানা বাবা কা সমান বাননা। ওম শান্তি। जी श्रुति बहन आप शेयर कर सकते। जी रजनी बहन आप शेयर कर सकते। ओम शांति। बाप ने कहा कि सच्चा ब्राह्मण कौन है, सच्चा ब्राह्मण का धर्म और कर्म क्या है। तो मैं पहले सच्चा ब्राह्मण कौन है, सच्चा ब्राह्मण वो जो जो संपूर्ण पवित्रता को धारण किए हो, मतलब उसका स्वप्न संकल्प स्वप्न में भी पवित्रता का अंश मात्र न हो, ऐसी श्रेष्ठ धारणा करने वाले को बाबा सच्चा ब्राह्मण कहते हैं। और उनको उसका धर्म क्या है, धर्म है संपूर्ण पवित्रता, और कर्म क्या है, सिर्फ एक बाबा 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 उसके मन में अनहद नाद बजता रहे और वो कर्म करे। और वो जो त्याग किया, उसका त्याग का उसको संकल्प भी ना उठे कि मैंने ये त्याग किया है, तन मान शान का, नाम मान शान का त्याग नहीं, उसे भाग समझकर उसके समझने वाले को ही बाबा सच्चा ब्राह्मण कहते। ओम शांति। जी रजनी बहन आप शेयर कर सकते हो। जी ओम शांति। जैसे अभी सभी ने त्याग के ऊपर ही पॉइंट लिए, तो मनन चिंतन ये चल रहा था कि क्या हमने त्याग किया। हम तो रावण की दुनिया में थे, रावण के सारे संस्कार हमारे थे, बाबा ने हम पे दया, हम पे कृपा की, हमारा भाग्य बनाया और हमें चुना। जब अगर नहीं चुना होता तो आज हमारी क्या गति होती। और वो उन्होंने चुन के हमें वो ज्ञान दिया, वो जो चीजें हमसे छुड़वाई जो कि हमें कष्ट दे रही थी, पाप को और आगे हमारे कर्मों को खराब कर रही थी। अगर ये मनन चिंतन चलता तो हमें तो खुशी से नाचना चाहिए कि बाबा तुमने, तुम ना, हम नाचते हैं ये बात नहीं है, बट ये जहाँ बाबा कहते हैं ना, ये सूक्ष्म हमारे अंदर अहंकार सा आ जाता है कि मैंने ये किया, मैंने ये शायद, मुझे लगता है इसीलिए बाबा वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कहीं बच्चों के मन में ये ना आ जाए कि हमने ये किया, जबकि ये हमारे कल्याण के लिए करा गया था और हमें उससे पवित्र बनाया गया। जितने हमारे अंदर के, क्योंकि विकार अगर हैं वो हमें कष्ट देते हैं, दुख दे रहे हैं, अब वो सारे हमारे खत्म कर दिए बाबा ने, पवित्र बना दिया हर तरह से। तो त्याग तो त्याग लगता नहीं, उल्टा हम जब हम भक्ति काल में हम यही कहते थे कि दान कर रहे हैं और सामने अगर कोई हमारा दान वो स्वीकार करता है
तो थैंक यू करो उनको जिसने स्वीकार किया कि हमारा भाग्य बना दिया उन्होंने। तो बाबा ने हमें अपनाया, हमें चुना, तो भाग्य हमारा बनाया। थैंक यू बाबा का, बहुत बहुत थैंक यू। और उसी आनंद में वैसा ही करते चलें जैसा बाबा चाहता है। हम ब्राह्मण बन गए तो हमारे पूरे जितने भी हमारे रावण के संस्कार थे उनकी आहुति डल गई, और उसके बाद वो संस्कार आए जो कि हमारे थे, वो हमें निखारने हैं। और ओम शांति। जी भारती बहन, आप शेयर कर सकते। जी, बाबा ने कहा है जैसे आत्मज्ञानी होते हैं तो आत्मा और परमात्मा, आत्मा का हम परमात्मा में समा जाना कहते, तो आत्मा की संपूर्ण स्थिति मानते रहते कि मैं आत्मा परमात्मा में स्थित हूँ। तो इस अंतिम आहुति का स्वरूप बनना है और मैंपन को समाप्त करना है, और अंदर से, अंतरात्मा से, हमारे मन से भी आवाज आए कि बाबा बाबा के बोल हमेशा मुख से निकले, अर्थात बाप में समा जाए। इसको ही कहा जाता है समा जाना, अर्थात बाप समान बनना। और बाबा कहते हैं कि अंतिम आहुति संकल्प स्वप्न में भी देहवान का मैपन न हो, यानी अनादि आत्मिक स्वरूप में की स्मृति हो कि बाबा बाबा का अनर शब्द निकले। आदि ब्राह्मण स्वरूप का भी धर्म यही है कि कर्म की धारणा हो। इसको ही कहा जाता है सच्चा ब्राह्मण, वही हम यज्ञ के समाप्ति के निमित्त बनते। ओम शांति। जी विजय भाई जी, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। मैपन के त्याग के दो एग्जाम्पल हमारे सामने, दोनों दादियां हैं। हमारी बड़ी दादी ने कभी मैं शब्द यूज नहीं किया, उस मैं से भी न्यारी होके दादी लग दादी कहती है। और दूसरा जो है, हमने जानकी दादी में देखा बाबा बाबा बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, हर शब्द में, हर बात में ऐसे सैंपल हमें पढ़ना। थैंक यू। जी साधना बहन, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ये जैसे बाबा कहते हैं कि देहभान का त्याग करना है, मैपन नहीं लाना है, लेकिन क्या सूक्ष्म देहभान का त्याग हमारा हो पाता है? अगर किसी ने सेंटर्स खोले होते तो कह देते मैंने मेरे इतने सेंटर, मैंने इतने सेंटर खोले, मैंने ये सेवा करी, मेरी सेवा है, मेरा ये, मैं ये करती हूँ, मैं ही, जो जैसे बाबा कहते हैं ना कि मेरी हैंडलिंग, मेरी मतलब अपनी जो भी विशेषता है वो मेरी मेरी आ जाती है। तो कैसे क्या करना चाहिए? ये जो सूक्ष्म देह भान है अभी भी जो मिटा नहीं है, अंदर में बैठा हुआ है, ये इसको हटाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? इसके ऊपर हम चाहते हैं चिंतन होना चाहिए। जी साधना बहन, बहुत अच्छा पॉइंट आपने एस्केलेट किया है। एक्चुअली हम भी वही सोच रहे थे। तो जो बाबा ने कहा कि अनादि आत्मिक स्वरूप की स्मृति हो, बाबा बाबा अनहद शब्द हो, संकल्प स्वप्न में भी देह भान का मैपन न हो, तो हम सभी अभी मुरली भी सुना, चिंतन भी कर रहे, तो इस समय भी हमारी क्या वो स्थिति थी अनादि? अगर नहीं थी तो फिर वो कब होगी? क्योंकि बाबा तो एक सीजन हमारा हो गया है ना, पूरा मुरली हमने रीड कर लिया। 69 की तीसरी मुरली थी, 21 जनवरी 69 की, उसमें बाबा ने बोला था देह भान का पूरा त्याग ही समर्पण है। तो फिर अगर हम सिर्फ पॉइंट ही रिपीट करते जाएंगे तो फिर ये भी पूरा खत्म हो जाएगा। तो आप सभी इसके लिए क्या पुरुषार्थ करते हो प्रैक्टिकली, वो शेयर करना है, या आपका क्या चिंतन है इसके बारे में कि हमारा निरंतर हम आत्मिक स्थिति अनादि स्वरूप में रहे, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है? उससे पहले ये शेयर करना है कि ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है कि नहीं है। जो भी आपको अच्छा लगे वो शेयर कर सकते। शांति, बहुत अच्छा मनन करने का पॉइंट रेज हुआ। हमने क्या किया कि जो ये लैपटॉप, हम ऑफिस में जैसे जाते हैं अपने डिपार्टमेंट में तो अपना मैकबुक खोलते हैं, तो उसमें बाबा की फोटो के साथ हमने वरदान एक आया था अभी पिछले महीने कि कराने वाला करा रहा है इस स्मृति द्वारा, निमित्त बन हर कर्म करने वाले, बेपरवा बादशाह भव, चलाने वाला चला रहा है, और इस स्मृति द्वारा निमित्त बन करके हर कर्म करते चलो,
मैं कर रहा हूं ये भान आया तो भी परवाह नहीं रह सकते, लेकिन बाप द्वारा निमित्त बना हुआ हूं ये स्मृति बेफिक्र व निश्चिंत जीवन का अनुभव कराती है। कल क्या होगा उसकी भी चिंता नहीं, उन्हें ये निश्चय रहता है कि जो हो रहा है वह अच्छा, जो होने वाला वह अच्छा, क्योंकि करण करावनहार हमारे साथ है और वही हमें निमित्त बन कार्य करा रहा है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। तो जो आपने शेयर किया वो तो एक एक एस्पेक्ट है, लेकिन दूसरा ये है कि बाबा ने जो बोला ना कि अनादि आत्मिक स्वरूप की स्मृति हो। एक तो है कि कोई कार्य हम कर रहे हैं उसको बाबा में समर्पित कर रहे हैं, ये मैक्सिमम ब्राह्मण आत्माएं करते हैं कि खुद नहीं मानते कि हमने किया बाबा ने करवाया, ये तो हम सभी से मुख से सुनते हैं। लेकिन जो बाबा ने बोला ना स्वरूप की स्मृति हो, है ना, ये देहभान का त्याग मयपन का त्याग है। जी जादव भाई जी आप शेयर कर सकते हैं। जी स्वाति बहन आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। जो अभी बताया कि कैसे मन मैपन का त्याग हो, तो जैसे जैसे हम रोज कर्म करते हैं, एक तो करण करावनहार की स्मृति रहे, और दूसरी बात है जो हम कर रहे हैं बार बार जितना समर्पण भाव आएगा कि ये मैं नहीं, मैं निमित्त बनकर कर रही हूँ और ये बाबा करा रहा है, और हर बात में हम जैसे बाबा को समर्पण करते जाएंगे तो मैपन का जो भान है, देह भान का जो फीलिंग है वो कम होती जाएंगी, क्यों हम आत्मा है, घर में भी हम सेवाधारी है, सेवा कर रहे हैं, मैं निमित्त हूँ बाबा करा रहा है, तो अपने अंदर का जो आत्मिक स्वरूप भी जागृत होगा और देह भान मिटता जाएगा। ओम शांति जी। जी जाधव भाई जी आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। जैसे कि हमारे सेंटर पर है अपनी पाठशाला है, तो यही कहना है कि ये पाठशाला बाबा की है। जो भी कर रहे हो, जो बाबा हमारे साथ है और बाबा हमारे से करवा रहे, मतलब जो भी साधना का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, ये बाबा ने साधन दिया है, ऐसा ही हमेशा सोचना है। जो कुछ हो रहा है ये बाबा ही करा रहा है हमारे से, और जो भी सेंटर से पाठशाला है ये बाबा ने ही करवाया। ये पहले भी बाबा ने पर 2-3 दिन पहले बताया है कि सेंटर भी सब बाबा के है, मुरली सब बाबा के है, यही सोचना है। ओम शांति। जी पूनम बहन आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी। अमित भाई जी जो हैं वो हमें छोटी छोटी बातें सिखाते हैं। आज मुझे याद आ रहा था कि ये उन्होंने हमको बताया है कि मैं पर्सनली यज्ञ हूँ, मैं अपने आप को पूरा यज्ञ मानू। तो जैसे बाबा ने बोला कि पूरी चीजें स्वाहा होती है यज्ञ में, अंतिम आहुति डालेंगे, तो आज मैं आज उस बात को रिलेट कर रही थी तो मुझे समझ में आया कि कैसे वो बताते हैं कि मैं पूरी तरह से मैं एक संपूर्ण यज्ञ की तरह हूँ। तो बाबा यज्ञ बोलते हैं इसको, और फिर धर्म यानी धारणाएं, तो बाबा ने ये अमित भाई ने बताया है कि कैसे हम छोटी छोटी बातों में अपनी धारणाओं को मजबूत करना है, हर छोटी छोटी बात में सब हमारी धारणाएं पक्की हो, खान पान की हो या दूसरी भी कोई चीजें हैं। तो छोटी छोटी बातें वो बोलते हैं करो, पूरे दिन में सिखाते हैं कि क्या क्या करना है, तो पूरी मुरली उससे रिलेट हो रही है। उसी तरह से बाबा ने कर्म भी बोला है, धर्म और कर्म, तो कर्म का कहीं पे भी, रात को भी मैं मुरली सुन रही थी, कहीं पे भी चिंतन नहीं हुआ उस शब्द का। तो कर्म कैसे होंगे जब हम धारणाओं में रह के कर्म करते हैं, तो वही कर्म सुकर्म बनेंगे और हमारा जमा होता जाएगा। ओम शांति। जी अरुणा बहन आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। मेरे आत्मा का एक अनुभव है कि जैसे अपने जो अभ्यास दिया है कि बाप समान भव वरदान, तो वरदान में टिकने के लिए दिन भर कितने बार आप अनादि स्वरूप में रहता है, तो अनादि स्वरूप में रहना यानी कर्म करते हुए भी जब बाबा से कनेक्शन जोड़ते हैं तब
शरीर सब रिलैक्स होना चाहिए, रिलैक्स होते ही तो शांति का अनुभव होता है, और शांति जब होता है तो व्यर्थ संकल्प से बच जाता है, व्यर्थ संकल्प बच जाते हैं। तो जब यहाँ से योग में उठते भी है तो कर्म करते हुए भी यह अनाथ स्वरूप का अनुभव होता है, शांति अलौकिक शांति में कर्म करते हैं, तो ये मेरा आत्मा का अनुभव है। ओम शांति। जी बहन, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, मेरे आत्मा का अनुभव नहीं, मुझे आत्मा का अनुभव है, क्योंकि हम ही आत्मा है ना। जी सोनिया बहन, आप शेयर कर सकते हो। हाँ जी, ओम शांति। सारे दिन भर में हम लोग जब भी कोई शब्द यूज करते हैं तो मैं और मेरा यूज करते हैं, तो इसके लिए बाबा ने मुरलियों में बार बार कहा है, मैं कौन, मैं आत्मा। जब मैं कहूँ तो मैं आत्मा याद आए, और मेरा कहे तो बाबा याद आए। तो मैं कौन, मेरा कौन, और मुझे क्या करना है, तो ये हर समय स्मृति में रहे। मैं यूज करूँ तो मैं आत्मा ये कर रही हूँ, ये करवाने माँ बाब करण करावन हर बाबा है। बुद्धि बाबा से जुड़ेगी बार बार, मेरा तो केवल बाबा है इस दुनिया में, मेरा कुछ है ही नहीं। मन बुद्धि की तार बाबा से जुड़ी रहे। मैं अवतरित हुई हूँ विश्व के कल्याण के लिए, मुझे क्या करना है, ये हर समय स्मृति में रहे। मेरा ये कर्तव्य है, और मेरा तो घर परम धाम है, मुझे वहां जाना है। केवल अवतरित हुई हूँ कर्म करने के लिए, दुनिया में मेहमान हूँ मैं, महान हूँ। तो ये हर समय स्मृति रहे, मन बुद्धि की तार बार बार बाबा से जुड़ेगी, क्योंकि इस दुनिया में मेरा तो कुछ है ही नहीं, और सभी को आत्मा रूप में देखेंगे, ये आत्मा भाई भाई हैं। तो इस तरह से जो है निरंतर बाबा की याद रह सकती है, अपने अनादि स्वरूप की याद रहेगी। शुक्रिया, ओम जी बहन, शांति। आपका आवाज कट रहा है। हाँ जी, जी जी गौरव भाई, आप शेयर कर सकते हैं। जी ओम गौरव शांति। भाई, हाँ जी हाँ, तो मुझे आत्मा को जैसा लगता है कि सुबह, सबसे पहले तो हमें सुबह बाबा से जब मिलन मनाना है तो निराकार आत्मा समझ करके मनाना है। तो जब हम सुबह सुबह अमृत वेला हमें बाबा से निराकारी स्वरूप में जब तक हम स्थित नहीं होंगे, अपने आप को आत्मा समझ करके, परमात्मा से ज्योति बिंदु आत्मा समझ करके मिलन मनाएंगे, तो ही हमें ये सारा दिन स्मृति रह सकती है। और जैसे अभी दीदी ने भी किसने बोला, मैं निराकार आत्मा अवतरित हुई हूँ, तो ये शरीर का आधार मैंने लिया है, मैं आई आत्मा आई हूँ परम धाम से, मेरा घर परम धाम है, मेरे सर्व संबंध शिव बाबा निराकार के साथ हैं, और मैं खुद भी निराकार आत्मा हूँ। तो खुद हमें बहुत ही, जैसे ब्रह्मा बाबा ने बहुत अभ्यास करा कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट से मैं कार्य करूं, जब दिन भर ये स्मृति रहेगी और कर्म करते भी मैं निराकार आत्मा इस शरीर से कोई भी कार्य कर रही हूं दिन भर। हमें इस अभ्यास को दिन में बार बार बढ़ाना होगा, जो जितना जितना हम आत्मा की स्मृति में रहेंगे तो ही ये हमें अभ्यास पक्का होगा कि आत्मिक स्वरूप की स्मृति में स्थित होने का। इसके लिए हमें रेगुलर अभ्यास ही चाहिए। एक मतलब एक कहावत भी है ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो हमें रेगुलर रेगुलर जैसे ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिस करा है, वैसे ही इसका प्रैक्टिस करना है। जैसे मुरली सुनते हुए भी, अमृत सबसे पहले तो शुरू में अमृत वेला और मुरली सुनते हुए भी हमें आत्मा समझ करके परमात्मा का निराकार, क्योंकि हम अगर वहां भी हम बहनों को या किसी देहधारी को देख करके सुनेंगे, तब जब तक हम आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं होंगे, तब तक दिन भर हम कार्य व्यवहार में भी आत्मिक स्थिति में स्मृति में रह के, मतलब उस करण करावन हर स्मृति वो तो जरूर रहता है हमें निमित्त, तभी हम दिन भर में उस आत्मिक स्मृति में रह सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये अभ्यास पूरा अमृत वेला और मुरली को आत्मिक स्मृति में स्थित होकर निराकार आत्मा समझ करके करना होगा। हाँ जी, तो इसके लिए आपने जैसे बताया कि बहुत काल का अभ्यास चाहिए, है ना, ये एक दो दिन की बात नहीं है, इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसके लिए हमने पहले स्टार्ट करना चाहिए ना। जी सावित्री बहन, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। तो बाबा ने जैसे आप शुरू में ही बोला कि सर्वशक्तिमान विश्व परिवर्तक विश्व कल्याणकारी बाबा बोल रहे, तो बाबा ने आगे क्या बोला, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण समझते हो, तो ब्राह्मणों का धर्म और कर्म, तो धर्म अर्थात धारणा, और धारणा है संपूर्ण पवित्रता। तो संपूर्ण पवित्रता के लिए जैसे पहले हम इसी पे लेते हैं कि मैं कौन, जैसे आपने बोला कि अभी किस स्मृति में बैठे थे, तो
काम करते हुए ये स्मृति मर्ज थी कि इमर्ज थी। तो मैं अपने को अगर थोड़ा सा, अब मैं राजयोगी हूँ तो ये भी हम इमर्ज कर सकते हैं। इसके थोड़ा नियम बनाने पड़ेंगे। तो नियम हम ब्रह्म मुहूर्त में जो हम योग करते हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा योग करने से सुबह ही अपने को मर्ज से इमर्ज करना है कि मैं एक आत्मा हूं। तो आत्मा से हमारा क्या होगा कि देह भान, क्योंकि हम देह के भान में रहते हैं तो वो देह का भान को छोड़कर हम आत्म स्मृति में त्रिकालदर्शी की स्मृति की स्टेज पर हम स्थित हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता कि हम जब हर कर्म करेंगे तो एक शक्तिशाली आधार की स्थिति में हम हर हर समय कर्म करते हुए, कर्म को ना, देह को ना यूज करके आत्मा द्वारा वो कार्य करेंगे। तो ये भी हमें अटेंशन देना है। तो यहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर हमारा व्यर्थ होता है तो व्यर्थ के संस्कार जहाँ उत्पन्न जी होते हैं, लेकिन जी मैं तो सर एक आत्मा हूँ तो आत्मा से ही हमारा, हाँ। तो आगे के लिए मैं थोड़ा सा ये बताऊं कि व्यर्थ की तरफ आकर्षित होने का कारण ये है कि अपने मन बुद्धि को दिनचर्या की हम सेटिंग नहीं करते। तो मन और बुद्धि को बिजी रखने की कला ही संपूर्ण रीति से हमें सदा यूज करना है। ओम शांति। जी सुनहरी बहन, आप शेयर कर सकते हैं। जी ओम शांति सभी को। जी पहला तो यह है कि हम अपने आप को पॉइंट स्वरूप समझें, और बाबा भी पॉइंट स्वरूप है और हम दोनों हमेशा कंबाइंड हैं। हम दोनों एब्सोल्यूट हैं, मुझ में बाबा के सारे गुण हैं, शक्तियां हैं, क्योंकि आत्मा परफेक्ट है, एब्सोल्यूट है। दूसरा ये कि हम उस स्टेट पे जाके जहाँ हम पॉइंट स्वरूप हैं, वहां से हम एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर बन के अपना रोल प्ले करें। हम ये देखें कि ये जो संकल्प उठ रहे हैं ये मुझ आत्मा के संकल्प नहीं है, ये जो मेरी स्क्रिप्ट है ड्रामा की उसके संकल्प हैं, जो मेरे इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, जो मेरे भाव आते हैं, जो मुझे डिस्टर्ब करते हैं, वो मेरे नहीं है, वो मेरी स्क्रिप्ट का पार्ट है। जैसे जैसे हम ये ड्रामा के भाव में जाते जाएंगे डिटैच्ड ऑब्जर्वर बन के और बाबा से कॉन्स्टेंटली कंबाइंड रहेंगे, तो हम में ये धीरे धीरे आत्मा का भाव बढ़ता जाएगा और फिर हमको किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें एक संकल्प आया, हमने वो बाबा को दे दिया, बाबा बताइए इसका क्या करना है। हमको फीलिंग्स आए, इमोशंस आए, बाबा ये मेरे तो नहीं है, आत्मा तो एब्सोल्यूट है, वो तो पेन में जा नहीं सकती, तो वो भी बाबा को दे दिए। ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे और सभी को भी बिंदु के रूप में देखना कि वो भी एब्सोल्यूट है, प्योर है, सर्वगुण संपन्न है, शांतिपूर्ण, शांति स्वरूप है। तो जब हम ये सारी प्रैक्टिसेस बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे अपने आप आत्मिक स्वरूप की वृद्धि होगी और ये देह भान का धीरे धीरे खत्म होगा। ओम शांति। बहुत अच्छा। जयंत भाई जी, आप शेयर कर सकते। ओम शांति। करण करावन का बाबा है, लेकिन हम बाबा के चुने हुए बच्चे हैं। बाबा हमसे करवाता है वो हमें करना चाहिए बाबा के श्रीमत के अनुसार। वो यदि हम बाबा को भूल गए और हम कर रहे हमने किया ऐसा अहंकार आ गया, तो बाबा के बच्चों को बाबा ऐसा बोल रहे हैं कि ये सब भूल जाओ और बाबा को याद करो, और बाबा को याद करके सब कार्य करो, तो करण करावनहार बाबा है वो आपको सक्सेस देगा। ओम शांति। जी गौतम भाई जी, आप शेयर कर सकते। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। जैसे आज हम लोग की चर्चा चल रही थी आत्मिक स्थिति के बारे में, तो ये तो सही है कि हम लोग को ये प्रैक्टिस से ही हो सकता है। जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ये निरंतर काल का लॉन्ग टर्म की प्रैक्टिस की इम्पैक्ट से ही होती है। तो मेरी जो ये है कि आत्मिक स्थिति की जो मैं प्रैक्टिस होती है वो है कि अमृत वेला तो बहुत इम्पोर्टेंट है, उस समय करते हैं। बट लेकिन जब होती है कि जब हम लोग अपने कार्य दिनचर्या में आ जाते हैं, तो उस समय होती है कि जैसे ट्रैफिक कंट्रोल होती है, बीच बीच में 1 मिनट की जो है उस समय अगर पॉज हो करके अगर हम रहते हैं, तो उससे क्या होती है कि एनर्जी आती है। और उसकी इफेक्ट फिर मैं क्या देखता हूँ कि जब नेक्स्ट डे जब अमृत वेला करता हूँ तो अच्छी रहती है, इफेक्ट होती है। अगर मैं वो अगर कभी छूट गई, अगर ट्रैफिक कंट्रोल है और बीच बीच में पॉज नहीं हुए, तो उस दिन की मेरी अमृत वेला नेक्स्ट डे की उतनी इफेक्ट नहीं होती है। तो आत्मिक स्थिति में रहने के लिए मेरी है कि ट्रैफिक कंट्रोल को मैं फॉलो करना ये करता हूँ। ओम शांति जी। जी बहुत अच्छा। जी स्वाति बहन, आप शेयर कर सकते। जी ओम सुलोचना बहन, शांति। आप। ओम जी शांति।
जी हाँ, जो अभी 2-3 दिन से लगातार साकार मुरली में आ रहा है कि मन मना भव मद्या जी भव, तो ये मन मना भव जो मंत्र दिया है वो यंत्र का भी काम करता है ना। बार बार जो अपने मन, जो मन ही भटकता है इसीलिए सारी बातें होते हैं, मन ही मैपन में लाता है। तो जितना जितना ये मन मना भव का हम प्रैक्टिस करेंगे बीच बीच में, तो ही हमारा हटता जाएगा जो देह का भान है, मैपन है। ओम शांति जी। जी बहुत अच्छा जी। सुलोचना बहन आप शेयर। ओम शांति। बाबा ने आज धर्म और कर्म के बारे में बताया, तो कल ही मैंने ये प्रैक्टिस की थी कि सारा दिन मना बहुत ही बिजी शेड्यूल था, 60-70 पेशेंट्स थे, तो मैंने हर एक पेशेंट को देखते मना चेक करते हुए वो मैं सुधर्म का अभ्यास कर रही थी, स्वमान का अभ्यास कर रही थी। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो जो भी आता था उसी स्वरूप में उस आत्मा को ट्रीट करती थी। तो ऐसे करते करते मैं 3 बजे तक ऐसे ही करते रही, एक सेकंड भी बैठने को टाइम नहीं मिला। मना मेरा एनर्जी इतना ज्यादा हो गया कि कुछ भी इरिटेट भी नहीं हुई। तो सारा दिन ऐसे बहुत अच्छा लगा मुझे ये स्वमान का अभ्यास से। मना जो भी हम धर्म में स्थित होकर कर्म करते हैं तो इतना एनर्जी हमें आता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। ऐसे मैंने प्रैक्टिस की कल। ओम शांति। जी अभी टाइम हो रहा है, साधना बहन आप शेयर कर सकते हो। हाँ, टाइम हो गया इसलिए मैंने हटा दिया था। बस अभी संडे की मुरली में जैसे बाबा ने कहा था, हर एक को डायमंड देखो और डायमंड आत्मा की सर जाती है तो फरिश्ता देखो। तो अब मैं वो प्रैक्टिस कर रही हूँ, उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। स्वयं को आत्मा डायमंड और हर एक को आत्मा और फरिश्ता। शांति। विजय आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। जैसा सबने कहा है बहुत अच्छा है, पर अगर हमें नवीनता रहेगी ना तो हर रोज एनर्जी लेवल और उसकी प्रैक्टिस का बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ये देखा है कि बाबा ना हर रोज महावाक्यों में आत्मिक स्थिति का अभ्यास के लिए डिफरेंट वे बताते हैं। जैसे बहन ने डायमंड कहा ना, 2 दिन बड़ा असर रहा, फिर यही मुरली में आ गया कि हमें रूहानी रहना है, रूह देखना है, फिर आत्मा देखना है। जिस जिस तरीके से बैवा चलाए आत्मिक स्वरूप का, हम हर रोज वैसा ही परिवर्तन कर देना तो वो प्रैक्टिस बहुत बहुत इफेक्टिव होती है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम पोल लॉन्च कर रहे हैं, तो सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे ताकि आप सभी को पोल दिखाई दे। जी ज्योति बहन, आप होमवर्क दे सकते हो और 2-3 मिनट योग भी करा सकते हो। शांति। तो होमवर्क में हम अपने मन को बोलेंगे कि त्याग क्या किया है, जो मन बोलता रहता है ना कि मैंने ये त्याग किया, ये सहन किया, ये सामना किया, आज उसको बता देंगे। जो उसके सामने जो प्रलब्ध है, उसके सामने जो खुशी है, जो प्राप्ति है, हमने त्याग क्या किया, रावण की चीजें ही त्याग की ना, ऐसे मन को समझाएंगे आज। और जो कुछ भी संकल्प में बचा कुचा है ना, मन बोलता रहता है, तो उसको सब आज स्वाहा करेंगे। पुराने स्वभाव संस्कार देखने, आज चेकिंग करनी है कि क्या क्या मन में आता है। एक एक करके अपने पास रही हुई लास्ट की सब कुछ एक एंड में स्वाहा करते ना, तो पूरा आज उसका लिस्ट बनाएंगे कि क्या मन बोलता है। मैंने 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 ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये सेंटर में कार्य किया, ऐसे वैसे सब मैं का जो लिस्ट आ रहा है, मैंपन का लिस्ट आ रहा है, सब कुछ लिस्ट बनाएंगे और उसको एक साथ ही बाबा के यज्ञ कुंड में
सुहा करेंगे। तो चलो स्थित हो जाते हैं सच्चे ब्राह्मण के रूप में। देखिए अपना ब्राह्मण स्वरूप। अपने आप को नशा चढ़ाइए। मैं कौन? देखिए अपने आप को ब्राह्मण स्वरूप में। पूरा व्हाइट ड्रेस में। मन का भी व्हाइट ड्रेस करेंगे। कितना कालापन था। देखिए अपने आप को। ये कालापन ही त्याग कर दिया। करवाने वाला करा रहा है, हमसे करवा रहा है। अभी देखिए हमारे सामने एक बड़ा अग्नि। यज्ञ की अग्नि। बाबा ने प्रज्वलित की है और मैं ब्राह्मण और स्वयं बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में मेरे पास बैठे हुए हैं और मेरे से एक एक पुराने संकल्पों की सृष्टि, पुराने स्वभाव संस्कार रूपी सृष्टि को इस महायज्ञ में स्वाहा कर। आज हम प्रण करते हैं कि जो स्वभाव हमारा चेंज नहीं हो रहा है आज एक लेंगे। पूरा संगठन में बैठकर इसको आज बाबा को साक्षी, पांच तत्वों को साक्षी और पूरा संगठन की शक्ति से इस यज्ञ में स्वाहा करते हैं। कौन सा भी एक टफ संस्कार लीजिए। इसको पूरी तरह से स्वाहा। पूरी तरह से जलता हुआ देखे। और इसके साथ अंतिम आहुति मैपन। अब आज से, अब से बाबा बाबा का अनहद नाद करें। सब कुछ बाबा करा रहा है, मैं निमित्त हूँ। और संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप तेजस्वी, संपूर्ण धर्म और कर्म को धारण करने वाले सच्चे ब्राह्मण। अपने आप को देखे। और बाबा से वरदान लेते हुए
जी ब्राह्मण होने का पूरा दिन में कर्म में और कृति में लय। ओम शांति। ओम शांति दीदी, बाय जी। या मेरा बाबा। ओम शांति बाबा। शांति बाबा। ओम ओम शांति। गुड मॉर्निंग श्री बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बाबा। ओम शांति भाई जी। वन थिंग टू आत्मा आर इंटरेस्टेड टू जॉइन द अवक्त मुरली क्लब।